रीडिंग रेडीनेस डी स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे रीडिंग रेडीनेस के बारे में बात करनी है किस तरह स्टूडेंट्स को रीडिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो रीडिंग रेडीनेस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग डेवलपमेंटली प्रिपेयर्ड टू बी लर्निंग हाउ टू रीड यानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को रीडिंग के लिए प्रिपेयर करना इसमें वो सरगर्मियाँ शामिल हैं इस एक्टिविटी में इट रेंज टू नंबर ऑफ़ स्किल्स

एंड यूज रिटन लैंग्वेज और इसमें uh, कुछ स्किल्स जो शामिल हैं उनकी तफस कुछ यूँ है सबसे पहला फ़ोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक्चुअली इसके लिए सिक्स स्किल्स हैं जो हर बच्चे को रीडिंग पर जाने के लिए रेडी टू रीड के लिए आने चाहिए वट शू डू हेल्प्स योर चाइल्ड गेट रेडी टू रीड तो इसमें सबसे पहला है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस सो एबिलिटी टू हियर एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल साउंड इन इन वर्ड्स अल्फाज में अनफरादी आवाज़ों को बच्चा सुनने के काबिल हो और वो उनको पहचान कर वर्ड्स बना सके जैसे राइमिंग वर्ड्स है एंड सेलेबल्स है फिर नेक्स्ट जो उसका अगला स्टेप है वो है विकैबलरी डेवलपमेंट। तो विकैबलरी डेवलपमेंट भी रीडिंग रेडीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें क्या है लर्निंग न्यू वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चा डिफरेंट टेक्स्ट को पढ़ता है तो नए नए अल्फाज वो सीखता है और इस तरह उसकी वैकेबलरी डेवलप होती है प्रिंट अवेयरनेस प्रिंट अवेयरनेस इसमें अंडरस्टैंड द प्रिंट वर्ड्स कन्वे मीनिंग ये टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि जब वो रेडिनेस uh, का uh, कर रहे हैं रेडी कर रहे हैं बच्चों को रीडिंग के लिए तो वो जो प्रिंट मटेरियल है वो अपने मीनिंग कन्वे कर रहा है या उसमें कुछ इबाम है और रिकगनाइजिंग लेटर्स एंड नोइंग द साउंड दे रिप्रजेंट तो क्या उसमें वो जो लेटर्स हैं और साउंडस हैं वो उसको रिप्रजेंट कर रहे हैं जो वो कन्वे करना चाहते हैं नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन कम्प्रीहेंशन को हम उर्दू में कहेंगे तफहीम तो इबारत का समझना एबिलिटी टू टू कनेक्ट आइडियाज़ अंडरस्टैंड काज एंड इफेक्ट तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ काज मीनिंग्स uh, कनेक्ट करना और काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना एंड ड्रा कंक्लूजन्स फॉर वट इज़ रेड तो कंक्लूजन्स ड्रा करना जो कुछ के पढ़ा जाए उससे वो कुछ मीनिंग्स या नतज अखज कर सकें औरल लैंग्वेज स्किल्स औरल लैंग्वेज स्किल्स स्पोकन की एक अहम एक्टिविटी uh, है यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ये ओरल कम्युनिकेशन में जो ओरल लैंग्वेज स्किल्स में वर्ड्स का करेक्ट होना ग्रामर्स का सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों की एक बहुत अच्छी वैकेबलरी हो वो अल्फाज बड़े फ्लुएंटली बोलें जब वो ओरली बात कर रहे हो एंड बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली तो वो मुनासिबीरफाज की मदद से मवसर अंदाज़ में कम्युनिकेट कर सकें और नेक्स्ट इसमें जो स्किल है वो कागनेटिव डेवलपमेंट कागनीटिव डेवलपमेंट से मुराद ज़हनी नमा तो बच्चों की जहनी नशोमा ये रीडिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज़ से इससे बच्चे सोचते हैं रीज़न करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं और एबिलिटी टू मेक कनेक्शंस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन तो ये सारी चीज़ें भी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का में आती हैं कि किस तरह वो इंफॉमेशन को याद रखते हैं किस तरह तरतीब के साथ वो फ़िक्रों को सेंटेंसेस को अदा करते हैं ये सब काग्नेटिव डेवलपमेंट में आता है यानी उनकी जहनी जो डेवलपमेंट है और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत ही अहम पार्ट है रीडिंग रेडीनेस इज़ एन ऑन गोइंग ये एक मुसलसल जारी रहने वाली एक्टिविटी है जो इब्तदाई बचपन में जारी स्टार्ट होती है और फिर स्कूल के इब्तई सालों तक प्राइमरी ग्रेड्स तक जारी रहती है यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस बच्चों में जारी रहता है और पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स कैन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप दीस स्किल्स बाय यानी पेरेंट्स और जो एजुकेटर्स हैं वो बच्चों में लैंग्वेज किस तरह डेवलप कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हुए उनकी तफसील कुछ इस तरह है प्रोवाइडिंग लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बच्चों को एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए जिसमें लैंग्वेज स्पीकिंग uh, के और बोलने के और लैंग्वेज के बहुत अच्छे इन्वायरमेंट हो जिससे जिसमें वो बातचीत करें इंगेजिंग इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन तो बच्चों को मीनिंगफुल गुफ्तू में उनको इंगेज करना उनमें एक्टिविटीज़ उनको कराना कि वो बातचीत कर सकें रीडिंग अलाउड टू दैम उनसे उनको लाउडली लौड, पढ़ने के लिए उनको कहना फिर उनको क्वेश्चन करने की उनमें के लिए उनको इनक्रेज करना तो इस तरह ये एक्टिविटीज़ हैं जिस जिस तरह जिससे पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को रीडिंग रेडिनेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं यानी रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं रीडिंग रेडिनेस के लिए आप देखें ये डिफरेंट एक करिकुलम भी है कोर्स है कैनेडियन करिकुलम प्रेस वर्कबुक सीरीज़ हैं इसमें यू माइट बी आल्सो बी इंटरेस्टेड इन अदर कैनेडियन करिकुलम प्रेस टाइटल फॉर दिस लेवल एक्चुअली ये है कि डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये है कि बच्चों के लिए रीडिंग रेडीनेस के लिए बाकायदा बुक्स और छोट छोटे छोटे किताबचे बनाए होते हैं जिनको वो बच्चे बच्चों को स्कूलों से उनको वीकली पढ़ने के लिए दिया जाता है उनके पेरेंट्स और उनके जो केयर गिवर्स हैं वो उनको पढ़ने के लिए उनको वो प्रैक्टिस करवाते हैं तो इसमें देखें आपके सामने दो तीन बुक्स भी ये नज़र आ रही हैं तो किंडरगार्टन मैथ रेडीनेस मैथ के लिए कि उनको छोटी छोटी काउंटिंग वगैरह फिर है किन्डर गार्डन रॉटिंग रेडीनेस तो राइटिंग रेडीनेस के लिए उनके लिए एक्टिविटीज़ हैं या ए टू जी है या अल्फ़ाबेट सिखाना वर्ड सिखाना इस तरह लर्निंग असेंशल नेक्स्ट है इसका किन्ंडर गार्डन लर्निंग असेंशल मैथ रीडिंग राइटिंग तो इसमें मैथ रीडिंग राइटिंग तमाम लिटरेसी के स्किल्स वगैरह ये बुक्स शामिल हैं तो ये थी तफसील जो मैंने आपको रीडिंग रेडीनेस के हवाले से आपको आपके गोश गुजार की तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों को हम रीडिंग के लिए रेडी कर सकते हैं